नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बिहार डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, चाहे आपका रैंक बन रहा हो या ना, किस तरह से ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है jnewsbihar.com। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पे आपके सामने इस तरह से आएगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा। फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप इस प्रचार पर क्लिक करके 2 मिनट वेट कर लें, उसके बाद आपको नीचे जाना है ताकि लिंक जो है वो फास्ट काम करे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रचार पे क्लिक करके 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद नीचे जाना है। आपको यहाँ पे देखिए बिहार डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म जो लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नीचे जाएंगे। नीचे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी की पेमेंट किस कैटेगरी को कितना कटने वाला है वो आपको लाइव दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म यानी कि ऑनलाइन किस तरह से करना है उसका वीडियो यहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पर भी आके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाता है, देख सकते हैं लाइव। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम के सामने अपना एप्लीकेशन नंबर दें, और पासवर्ड के सामने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ दें, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ये सभी जानकारी को हम भर लेते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पूरे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पेमेंट से लेकर प्रिंट तक की जानकारी शेयर करने वाले। तो चलिए हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। जैसे इंटर किया हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखने को मिला है, हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे पास इस तरह से जो डिटेल्स है वो ओपन होके आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट 500 रुपए HDFC बैंक। ठीक है, तो पेमेंट पर क्लिक करने के लिए हमारे पास, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब देखिए जानकारी क्या है, बहुत सारे दोस्त लोग UPI सेलेक्ट करते हैं जिसके वजह से पेमेंट जो है फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए भीम UPI है, वो भी सिलेक्ट करते हैं तो पेमेंट फेल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट करना है ताकि पेमेंट फंसे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके कार्ड में रुपए लिखा है, रुपए कार्ड लिखा है, तो रुपए डेबिट कार्ड लिखा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर सिर्फ आपको रुपए कार्ड नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम सिलेक्ट किए, हमारे पास इस तरह से उस डेबिट कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। उस डेबिट कार्ड का नंबर हम यहाँ पे ना कार्ड नंबर और होल्डर नेम, एक्सपायर डेट और CCV, दो तीनों चारों जो भी डिटेल्स है वो हम भर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पेमेंट देखिए 14.52 रुपए GST भी कट रहा है। ठीक है, टोटल कितना कट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम संपूर्ण जानकारी को भर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी भर लिए, हमारे पास यहाँ पे 9514.52 रुपए। ठीक है, इस तरह से दिखा है। हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे रजिस्टर मोबाइल पर जो है एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ भरना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे उस OTP को भर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम OTP को भर लिए, हमारे पास इस तरह से दिखने को मिला है। अब हम करना क्या है, हमें तो यहाँ पे प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे आपका जो भी नाम है, फिर मदर फादर जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इस तरह से देखने को मिलेगा। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से संपूर्ण जानकारी, एड्रेस वगैरह भरा है। तो आपको आगे की क्या प्रक्रिया है वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास देखिए 1 से लेके 5 स्टेप है, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोटो एंड सिग्नेचर ऑटोमेटिक पहले से ही अपलोड रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर भी है। चलिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लाइव है। अब हम करना क्या है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि फोटो और अपलोड पहले से इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से डिटेल्स रहेगा, जिसमें कि बोट नेम, ईयर, रोल कोड, रोल नंबर
कितना मार्क्स प्राप्त किए, डिवीजन कौन है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी जानकारी को देखने को मिल गया है। अब हम करना क्या, नेक्स्ट करना है। देखिए किस तरह से स्टेप, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे है आपके सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले फॉर एडमिशन रिसीव्स कॉलेज कैंडिडेट विल क्लिक ऑन कॉलेज नेम एंड फर्स्ट सेलेक्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें कहा कह रहा है कि जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको उस कॉलेज पर क्लिक करना होगा। मैक्सिमम कितना कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 30 कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम में यानी कि कम से कम आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट करना ही होगा। तो चलिए हम नीचे भी देख लेते हैं। नीचे में देख सकते हैं अभी हम एक भी कॉलेज नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 0 कॉलेज सेलेक्टेड बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि 5 कॉलेज कम से कम सेलेक्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉलेज को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, आपको अच्छी से जानकारी अभी समझना है। ठीक है, देखिए जिसमें DIET लिखा है मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इस बात को आपको कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, जिसमें DIET नहीं लिखा है वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कन्फर्म रूप से इस बात को आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको कितना कॉलेज को सिलेक्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए। तो दोस्तों बता दें 25 आप गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लें, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में बाय द वे नहीं भी होता है तो प्राइवेट कॉलेज में आपका 100% हो जाएगा। ये दोस्तों भविष्य को लेकर आपके सामने जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य बर्बाद ना हो, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए किसी भी किसी वजह से। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डाइट है, देख सकते हैं इस तरह से डाइट कॉलेज मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो हम कम से कम 25 गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें डाइट लिखा है, वही सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, जो भी हम इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, देख सकते हैं जितने भी डाइट कॉलेज हैं। चलिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टोटली जो हम 30 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तुरंत इस बगल आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे इवल कॉलेज आ जाएगा, मतलब इस बगल जो आएगा मतलब आप कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी कॉलेज हैं आपको दिखा दें कि हम 30 कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिमिट है वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे की हम जानकारी जैसे दोस्तों नेक्स्ट किए, हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉलेज सेलेक्टेड इस तरह से यहाँ पे टोटल 30 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। रिव्यू कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेव, और यहाँ पे देखिए कहा गया जितने भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं वो सेव करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपका वो देखने को मिलेगा। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे संपूर्ण जानकारी है, पेमेंट सक्सेस का कितने बजे मतलब कितना तारीख को पेमेंट किया है वो यहाँ पे देखिए। डिस्क्लेनर क्या कह रहा है कि आई कन्फर्म डेट इन्फॉर्मेशन गिव दिस फॉर्म ट्रू कंप्लीट एंड, यानी कि इसका मतलब एक तरह से बताएं तो दोस्तों आपको जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो आप मतलब उसको जो है आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि वो कन्फर्म है। अगर आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन एंड सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो मतलब जितने भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं वही आपका कॉलेज रह जाएगा, उसमें जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसी पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा एक प्रिंट एप्लीकेशन खुल जाएगा और उसको आप प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको लाइव प्रिंट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है यूट्यूब का उल्लंघन होगा, इसलिए इसको हम सिक्योर रखना चाहते हैं। तो आप लोग को जैसे ही कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन एंड सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आउट यानी कि प्रिंट आउट जो PDF होता है एप्लीकेशन उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दें किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने की जानकारी को शेयर किए हैं। उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार के मन में सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मन यह बहुत सारे दोस्तों लोग परेशान होंगे कि सर इसका सिलेक्शन लिस्ट आखिर कब तक आएगा, तो दोस्तों अगर आपको वो भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इसी चैनल पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था हमने आपके सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिए,
उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान दें दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।